इंतहा हो गई इंतजार की। यार गा नहीं पाता हूँ लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला होने जा रहा है भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। का मैच पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देखने वाला है। इसके पहले पाकिस्तान के साथ मुकाबला अक्टूबर 2023 में होता है, एक लंबा समय हो गया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रिडिक्शन वाले हैं सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान भारत से मैच जीत जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं विजन 11 के सपोर्ट प्रमोटर हैं, वो विजन 11 को प्रमोट कर रहे हैं। सोच रहे हैं सभी लोग भारत को पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं घाटे में चले जाऊंगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी क्योंकि भारत मैच जीतने वाला है। इसलिए जितने भी प्रिडिक्टेटर हैं, जितने भी प्रिडिक्शन करने वाले हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि आप पाकिस्तान को पैसा लगाएंगे, अगर आप हारेंगे तो उससे विजन 11 का फायदा होने वाला है। इसलिए सारे प्रिडिक्शन वाले यही बोल रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान मैच को जीतने वाला है। बाकी अगर आप प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, तो अपने हिसाब से दिमाग लगा के काम करिए। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ कि प्लेइंग 11 टीम वो कौन सी होने वाली है भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, कौन प्लेयर खेल रहा है कौन प्लेयर नहीं खेल रहा है और किसको खेलना चाहिए और किसको नहीं खेलना चाहिए। भारत पाकिस्तान का इतना हाईटेक मुकाबला होने जा रहा है कि जो मैच हो रहा है न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि नया स्टेडियम बनाया गया, 100 दिन में स्टेडियम बना के तैयार कर दिया गया है, बालिक पिच है। वहाँ पर सबसे सस्ता टिकट है 25,000 का, असल सबसे महंगा टिकट है, गोल्डन टिकट है, वो है 8 लाख का। उसको भी 8 लाख वाले टिकट को लोग ब्लैक में वहाँ पर बता रहे हैं 16-16 लाख रुपए में ले रहे हैं। इतना महंगा टिकट मेरे बस की तो बात नहीं भाई। सबसे पहले बात कर लेता हूँ टॉस की। जो टॉस जीतेगा समझो वो 70% मैच जीत गया क्योंकि वहाँ पर न्यूयॉर्क बॉलिंग पिच है। जो पहले बल्लेबाजी करेगा वो कहीं ना कहीं मैच हारेगा, जो पहले फील्डिंग करेगा कहीं ना कहीं मैच जीतेगा, ज़्यादा चांसेस यही है। बाकी क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। पिछला मैच भारत का हुआ था जिस तरह से रोहित शर्मा रिटायर हर्ट हुए थे और ऋषभ पंत भी चोटिल हुए थे, कहीं ना कहीं बॉलिंग पिच है। उसके बाद अगर जो कोई पहले बल्लेबाजी करता है तो वहाँ पर 150 रन बना लेता है तो कहीं ना कहीं सेफ स्कोर होने वाला है। नसाउ काउंटी की जो बाउंड्रियाँ बहुत ज़्यादा दूर दूर है, उसके बाद आउटफील्ड भी भाई काफ़ी स्लो है, वहाँ पर गेंद टिप खाने के बाद चौका ही नहीं जाती है। हाँ दम है बल्ले में, दम है कल्ले में, दम है छक्का मारो। चलिए बात करता हूँ भारत की तरफ से कौन सी टीम होने वाली है। भारत की तरफ से भाई ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे रोहित शर्मा, हिटमैन साथ में विराट कोहली। वैसे मैं तो बोलूँगा यार शशि जायसवाल को मौका देना चाहिए, T20 में अच्छा खेलता भी है, लेकिन नहीं वहाँ पर लेके गए उसको, शायद मैच दिखाने के लिए गया न्यूयॉर्क घुमाने के लिए। एक राइट एक लेफ्ट का काम्बो होना चाहिए, लेकिन ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे हिटमैन रोहित शर्मा और साथ में उतरेंगे विराट कोहली। भैया रोहित शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है उनको चाहे जहां लेके जाओ वो लंबे चौके छक्के लगाते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है तो रोहित शर्मा कितना ज़्यादा मारते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर कहीं ना कहीं फास्ट बाउंस पिच पर प्रैक्टिस करके आते हैं। विदेशी स्टेडियम में कहीं पर भी मैच होता है तो रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं। साथ में आएंगे किंग कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ा रिकॉर्ड है, कोई चले या ना चले लेकिन किंग कोहली जरूर चलेंगे। दो ओपनर आएंगे विराट कोहली, हिटमैन रोहित शर्मा, और साथ में आएंगे तीसरे नंबर पर वन डाउन पर हमारे ऋषभ पंत पर इस बार विराट कोहली का रोल दिया जा रहा है। अभी तक वन डाउन पर विराट कोहली आते थे लेकिन अब ऋषभ पंत आ रहे हैं। ऋषभ पंत ने प्रैक्टिस मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा मारा था, उसके बाद आयरलैंड के मैच में भी ऋषभ पंत ने अच्छा खेला था, तो तीसरे नंबर पर आएंगे ऋषभ पंत। चौथे नंबर पर कौन आएगा, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे सूर्य कुमार यादव। उसके बाद पांचवें नंबर पर यहाँ पर पेच फंस रहा है शिवम दुबे, संजू सैमसन। मैं प्रेफर करूंगा कि संजू सैमसन को खिलाना चाहिए, संजू सैमसन के पास ज़्यादा अनुभव है। न्यूयॉर्क में जहाँ पर मैच हो रहा है वहाँ पर हिटर की जरूरत नहीं, ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो रोक कर खेले, वो अनुभव संजू सैमसन के पास है। शिवम दुबे को अभी आप होल्ड कर सकते हैं लेकिन शिवम दुबे को पिछले मैच में खिलाया गया था, इसमें मैं बोलूंगा कि संजू सैमसन को मौका दिया जाए। फिलहाल मैं तो भाई अपने टीम में पांचवें नंबर पर रख रहा हूँ संजू सैमसन को। उसके बाद छठवें नंबर पर हार्दिक पांड्या भारत के लिए पता नहीं कितने मैच निकाले हैं, IPL में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब वो भारतीय टीम के लिए खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लंबे चौके लंबे छक्के और हिटर के लिए जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को मैं रखता हूँ छठे नंबर पर। सातवें नंबर पर आएंगे रविंद्र जडेजा, बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, स्पिन साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ती है तो भारत देश के लिए रन बनाते हैं, तो सातवें नंबर पर मैं रखूंगा रविंद्र जडेजा को। और उसके बाद आठवें नंबर पर आप किसको रख रहे हैं, मैं तो भाई अक्षर पटेल को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। अक्षर पटेल को इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है तो बॉलिंग थोड़ा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन है, देखो रविंद्र जडेजा को आप खिलाएंगे इसमें कोई नो डाउट, लेकिन उसके बाद आप किसको, पिछले मैच में अक्षर पटेल को खिलाया था आप, कुलदीप यादव हैं, युजी चहल हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले मैच में अच्छी बॉलिंग की जरूरत है, अनुभवी बॉलर की जरूरत है, तो वहाँ पर कुलदीप यादव को आपको खिलाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आठवें नंबर पर मैं कुलदीप यादव को रख रहा हूँ। अब इसके बाद तीन फास्टर बॉलर में हार्दिक पांड्या बॉलिंग अच्छी कर ही रहे हैं,
साथ में भाई सिराज बैटिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी कर लेते हैं। सिराज, हर्षदीप, जसप्रीत बुमराह ये बॉलर भी हो गए। इस तरह से 11 टीम हो गई भारत की, यही प्लेइंग 11 होने वाली है। हाँ, कुलदीप यादव अक्षर पटेल में, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। शिवम दुबे संजू सैमसन में, संजू सैमसन को खिलाना चाहिए। यह है भारत की टीम। आपके हिसाब से कौन सी टीम हो सकती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो लगभग 170 रन बनाना पड़ेगा। अगर वही पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो उसको लगभग 140 रन के अंदर ही रोकना पड़ेगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से प्लेइंग 11 टीम कौन कौन सी हो सकती है और कौन कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आएंगे रिजवान और कप्तान बाबर आजम। रिजवान काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, T20 में तीसरे नंबर पर रहे रैंकिंग में, और बाबर आजम चौथे नंबर पर है, तो कहीं ना कहीं दोनों अच्छी बैटिंग करते हैं। पहले नंबर पर रिजवान, दूसरे नंबर पर बाबर आजम। वन डाउन पर कौन आएगा, यानी तीसरे नंबर पर उस्मान खान आते हैं पाकिस्तान की तरफ से तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर फखर जमान। फखर जमान अच्छे प्लेयर है, मंझे प्लेयर है, पाकिस्तान को कई मैच जिताया है, भारत के खिलाफ इनका बल्ला उगलता है। फखर जमान के बाद मैं पांचवें नंबर पर रखूंगा शादाब खान को। शादाब खान ने अमेरिका के साथ अच्छी बल्लेबाजी की थी और अच्छी बल्लेबाजी करते ही है। उसके बाद छठवें नंबर पर आजम खान। आजम खान भाई, अब मैं क्या बताऊं, यहां पर आप कुछ देर के लिए होल्ड कर रहा हूं। आजम खान को पाकिस्तान वाले ढो रहे हैं, ऐसे ढो रहे हैं कि विश्व कप के मैच में ही क्या ढोना चाहिए। आजम खान जो है पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर थे मोइन खान, उनके बेटे हैं, नदीम खान के भतीजे हैं। नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उनके भतीजे हैं। इनको पता नहीं क्यों लगातार ढोल रहे हैं। आजम खान ने पिछले 14 मैचों में 88 रन टोटल बनाया है ना, उसमें कोई हाफ सेंचुरी है ना कोई सेंचुरी है, अब बेस्ट उनका रन है 30। अब उनको आजम खान को पता नहीं क्यों वर्ल्ड कप में ढो रहे हैं, बल्कि आजम खान से अच्छे बैट्समैन पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो डगआउट में बैठे रहते हैं और कहीं ना कहीं वो टीम से बाहर है। तो ये चीज़ तो नेपोटिज्म करके आप खेल नहीं खेल सकते हैं, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पाकिस्तान वालों ने क्या सोचा है कि मेरे पास 10 प्लेयर अच्छे हैं, एक खराब प्लेयर ही खिला लूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक प्लेयर से पूरा मैच होता है। आजम खान को आप वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, पहले उनको आप फिजिकल फिट करिए। आजम खान को ये खा खा के मोटे हो गए हैं, पहले फिजिकल फिट करिए, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराइए, उसके बाद उनको मैच में उतारिए। अभी वो कहीं ना कहीं फिजिकल भी अनफिट हैं और साथ में क्रिकेट में उनको और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आजम खान को पाकिस्तान वाले छठे नंबर पर उतारते हैं तो भाई तो भारत के लिए प्लस पॉइंट होने ही वाला है। उसके बाद सातवें नंबर पर इफ्तिहार अहमद आते हैं। ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। इफ्तिहार अहमद के साथ शादाब खान भी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग की बात आती है तो फास्ट बॉलिंग में भाई पाकिस्तान बॉलिंग बहुत मजबूत है। मोहम्मद आमिर काफ़ी ज़्यादा अनुभव, पिछला मैच यूएसए के साथ हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइड दिए थे क्योंकि आप विस्टअप को बॉल फेंकना चाहते थे, उसी चक्कर में बॉल वाइड चली जाती थी, वो अलग बात है, लेकिन मोहम्मद आमिर के पास बहुत अच्छा अनुभव है। साथ में शाहीन अफरीदी जिनका इनका गेंद से जहर उगरता है, ये बैट भी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं, तो शाहीन अफरीदी भी इनके पास अच्छे बॉलर हैं। साथ में हैरिस रऊफ को पूछने वाली बात ही नहीं, अनुभवी प्लेयर हैं, अनुभवी बॉलर हैं, और साथ में शकील शाह जो कि अभी युवा हैं 21 साल के हैं लेकिन अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो पाकिस्तान की ये टीम है, पाकिस्तान के 11 प्लेयर हो गए हैं। बाकी पाकिस्तान इसके पहले का मैच यूएसए के साथ हार ही गया, वो यूएसए टीम नहीं है दोस्तों, वो भारत की बी टीम है, जो उसमें जो प्लेयर हैं मोरांग पटेल गुजरात के रहने वाले हैं, नेत्रवाल मुंबई के रहने वाले हैं, और जो उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जो भारत के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर जो 30 साल प्लस हैं जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि हाँ मुझे भारत के साथ खेलने का मौका नहीं मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं जाके अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। और जो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे नेत्रवाल हो, चाहे जसदीप हो, कोई भी प्लेयर हो अगर अच्छा खेलता है तो भाई उसको तो आईपीएल में लोग ले ही लेंगे इंडिया के, तो वो तो भाई ठीक है, क्या करें, ओवर एज हो रही है तो कहीं ना कहीं क्रिकेट उनको खेलना है, तो भारत देश नहीं किसी और देश के साथ खेल रहे हैं। यूएसए ने अच्छा मैच खेला था और पाकिस्तान को हराया था, काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी आज का मैच भारत जीतने वाली है, आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कौन से प्लेयर को खेलना चाहिए, कौन से प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए, और आज के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है। मैन ऑफ द मैच कोई बॉलर ही होगा, बैट्समैन तो मुझे भाई बहुत कम उम्मीद है क्योंकि बॉलिंग पीछे, मेरे हिसाब से बॉलर तो हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह। वैसे आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मेरी मिलियन वीडियो देखी जाती है, पंकज गांव वाला मेरी आईडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों और भी वीडियो बनाकर मैं आपको देता रहूँगा।